अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे आप सब। तो अपने वीडियो में देखा होगा हम रात को घर आए थे, तो सुबह का नाम व्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी में थोड़ी आपको चेंजिंग महसूस होगी क्योंकि थोड़ा बीमार हूँ। तो गाइस हम यहाँ पे तो सबसे पहले बता रहा हूँ कि मौसम बहुत ही आज ठंडा है, इसमें भी बहुत ही क्लाउडी है, देखें दिख रहा होगा आपको। तो चांसेस हैं कि आज बारिश हो और उम्मीद करता हूँ कि आज बर्फ़ भी हो। तो बर्फ़ होगी तो आपको बर्फ़ वाला पूरा व्लॉग बताएंगे। तो उससे पहले आपको थोड़ा छोटा सा टूर कराता हूँ अपने घर का, मतलब अपने एरिया के टूर करवाता हूँ जो नए नए व्यूवर्स हैं उनको पता नहीं, उनको बताने के लिए। तो ये रहा जी हमारा छोटा सा बाग जिसमें हमने सब्जियाँ लगाई हुई हैं और मटर भी लगे हुए हैं, कनक भी लगी हुई है, सरसों भी लगा हुआ है और प्याज भी लगा हुआ है, थूम भी लगा हुआ है और यहाँ मैं नीला साग और घर की सब्जी है जी। तो मुस्लिम घर की सब्जी खाते हैं और एक वहाँ पे चलेरी लगी हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ डेंजर। तो ये रहा जी हमारा छोटा सा फार्म, यहाँ पे अंदर देख सकते हो यहाँ पे चकोरे हैं और यहाँ पे देसी मुर्गे हैं हमारे घर के खुद के। तो ये रहा वो बाग, तो यहाँ पे भी अंदर है, तो दिन को जब खोलेंगे आपको बताएंगे। तो मुझे बोलने नहीं हो रहा यार, गले में थोड़ी खराश थी है। ये देखें जी इधर भी कनक लगी हुई है, तो ये रहा जी हमारा दरिया जो अभी के टाइम बिल्कुल सूखा हुआ है। चलो दरिया की सैर भी करवाते हैं आपको, आज दिन में आपको हम आपको घुमाएंगे। तो इधर से भी पानी जाने का ये पता मुझे लगता है ये सूख चुका है अभी, क्योंकि बारिशें बड़ी कम हो रही हैं उस टाइम, तो पानी की मकदार भी जो क्वांटिटी है वो भी कम है। तो ये दरिया कुछ पहले टाइम में कुछ अलग से हुआ करता था ये, मतलब यहाँ से लेके उधर तक था, बट मशीन्स लगाई जेसीबी लगा के फिर ये पहाड़ियाँ जो इधर रख दी हमने, तो क्योंकि दरिया थोड़ा खतरा रखता कि अगर ऊपर ज़मीन की तरफ आने का, तो फिर ये बड़ी बड़ी डी यहाँ पे वो आप अभी जबान बोलते हैं डावे, बड़े बड़े वो डाव्स हुआ करते थे, तो उसमें बहुत मछली हुआ करते थे, हम बहुत मेहमान मछली पकड़े थे, तो बड़ा अच्छा लगता था यहाँ पर मछली पकड़ते थे, बहुत इंजॉय करते थे। बचपन भी आते हैं कि अभी भी बचपन ही है, लेकिन मसला है कि अब जिम्मेदारी है, अब काम भी मतलब कोई नहीं। अब यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि मछली है, क्योंकि इस तरह से हुआ था ये मंजर देख के कह रहा हूँ कि मछलियाँ मुश्किल नहीं थी। कि अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एक ही बात कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ढेर सारा प्यार देते रहना। ये देखें यहाँ पे बजरी रखी हुई है, तो आज दुआ करते हैं अल्लाह से कि आज बारिश हो जाए, बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी हो जाए। मौसम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज बर्फ़ हो जाए, आज बर्फ़ का व्लॉग बनाए। तो काफ़ी दिन हो गए बर्फ़ नहीं देखी, तो मुझे तो दो तीन चार साल हो गए बर्फ़ नसीब में नहीं हो रही। तो अभी की भाभी को बड़ा शौक़ है कि वो बर्फ़ देखे, तो ऊपर वैसे दुआ करता हूँ जी अल्लाह जी बर्फ़ बरसा दो, हम भी देखें बर्फ़, हम भी कुदरत के नज़ारे थोड़े इंजॉय करें। तो मैं अंदर आ चुका हूँ, अंदर आके क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत खूबसूरत सा मंजर दिख रहा है मुझे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा, ओए माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत सी आग जल रही है यहाँ पे, नमकीन चाय साथ में, और यहाँ पे फुलके बन रहे और यहाँ पे मैं हूँ, मैं खाने लगा हूँ फुलके चाय, ब्रेकफास्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे हमारे शेफ साहब बैठे, चलो दो जी मुझे, मैं भूख लगी मुझे, दो रात का भूख सामने दबरा भाई, हवा लगी है सर में। ठीक है भाई हम चलते हैं, आज हम बताते हैं आपको, आज हम कलमे लगाएंगे, कलमे मतलब आज गोशा बाबू लगाएंगे, साथ में खुबानी लगाएंगे, काटेंगे पेड़ को तो वो लगाएंगे, पापा लगाएंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा। हाँ बना रहे हैं मुझे, हाँ जाओ चलना देखना कैसे लगाते हैं, आपको बताते हैं।
फिर लंबा मसला बन जाएगा, चलना इधर आ जाओ। मैं कहां पे जाना? ये इधर हमारे अपने घर के पास। अभी आओ, एक मिनट की है ना, फिर करनी है। मैं मत धड़की नहीं है, सीधा रखना जो ठीक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं आऊंगा तो वहां पार्टी में स्पेशल। तो दोस्तों देखो जी, पापा ने इसकी स्कीम रखी हुई है लकड़ी रखने की। ऑलमोस्ट सारी लकड़ी हम जला चुके हैं सर्दी में, और यहाँ पे हम रखते हैं अपनी बकरी और ले लूंगा, यहाँ पे बांधते हैं हम। आइए देखो अंदर। कोको 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 कोको, ये देखो जी चकोरे मोर ही अंदर। ये भी मेरा अपना घर है जी, जो अभी पेंडिंग है, कंप्लीट करना है इसको, ये वाला। तो ये लगाएंगे कल में हम यहाँ पे इधर इधर। ये रही कल में खुबानी की है और गोशे बाबू की है, तो अब लगाएंगे खेती। तो अब ये लगाया करेंगे जी, अब अपना मेवा पता नहीं। ये हमारे मीठे संतरे का दरख्त है, यहाँ पे भी रखे हुए हमने देसी मुर्गे। ये देखो उनकी चौक नीचे डाल पा है, इधर अंदर है, वो बोल रहे हैं ची ची कर। देखो आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये आ गया हमारा चूल्हा, इधर भी चूल्हा बनाया हुआ हमने, घर अंदर भी है इधर भी है। तो एक ज़माना हुआ करता था, यहाँ से पानी आया करता था, यहाँ से पानी आया करता था, पानी की नहर होती थी, यहाँ से पानी जाया करता था, और इधर से ये ऐसे डायरेक्ट होके नीचे जो खेत थे वहाँ पे जाया करता था। वहाँ पे लोग लैब लगाया करते थे, धान की फसल लगाया करते थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल गई हैं जी, अब चीज़ें वो पहले जैसी नहीं रही। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या लगाते हैं, मक्की की खेती करते हैं और सब्जियाँ वगैरह कनक वगैरह लगाते हैं। तो ठीक है भाई, अब मेरी बारी है काटने की। टोपी लगा दी है, बारिश हो रही है यहाँ पे, मुझे आगे बुखार से काम चढ़ा और तो मैं काट रहा हूँ भाई। मसला है कि फंस गया भाई, फंस गया। लोग बोलते हैं आप काम क्यों करते हो, भाई सुनो हम ये काम करते हैं, ये वाले काम करते हैं।